हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अनबॉक्सिंग स्टोरी। तो मैं आज आपसे एक नीलकमल ब्रांड का एक कबर्ड का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने बहुत दिन पहले उसे ऑर्डर प्लेस कर दिया था और मुझे वो दो तीन दिन पहले ही रिसीव हो गया था। तो उसका असेंबलिंग का वीडियो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंड उसके साथ मैं इसका रिव्यू भी शेयर करने वाली हूँ। तो देखते रहिए लास्ट तक वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। तो मैं अभी इसे ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे दो बॉक्स रिसीव हुए हैं एंड यहाँ पे हमें यहाँ पे जो है फ्लिपकार्ट से कोई भी इंस्टॉलेशन करने के लिए नहीं आता है। ऐसी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई है। हमें ये घर पे ही असेंबल करना होता है, ज्वाइन करना होता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मुझे ये पूरा ज्वाइन करने में बहुत सारा टाइम लगा था, तो इसीलिए मैंने इसे परचेस किया है, क्योंकि ये वेट में बहुत ही मतलब मूवेबल होता है। हम किसी कहाँ पे भी इसे इजीली मूव कर सकते हैं, इजी टू कैरी है। एंड अगर आप रेंट के घर में रहते हो तो भी फिर ये इजीली मूव हो जाता है, इसीलिए मैंने इसे परचेस किया है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रिस्क्रिप्शन मिला है कैसे ज्वाइन करना है। इसकी इमेजेस यहाँ पर दी गई है, इसी से मैंने यहाँ पर देख कर यहाँ पर ज्वाइन किया है। सब आप भी इसे देखकर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो में दिखाया है कि कैसे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक पार्ट में वाइट कलर का स्टिकर दिया गया है, जहाँ पे बैक पैनल, साइड पैनल, फ्रंट पैनल ऐसा लिखा हुआ है, ताकि हमें समझ में आए कि ये पार्ट हमें कहाँ पर लगाने हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि हर एक पार्ट में यहाँ पे लिखा वाइट कलर के स्टिकर पे लिखा हुआ है कौन से पार्ट कहाँ पे लगाने हैं, तो इजी हो जाता है हमें असेंबल करना। यहाँ पे ये ग्रे कलर के जॉइनर दिए गए हैं, ताकि हम ऊपर से और एक शेल्फ जो पट्टी है ब्लू कलर की जो है उस पे लगा सके, ब्लू कलर का पार्ट उस। अभी मैं इसे इस जॉइनर को साइड से ज्वाइन कर रही हूँ। इसे ऊपर से आपको थोड़ा सा फिट मतलब ऐसे टैप टैप करना पड़ेगा, ताकि वो फिट रह सके। थोड़ा सा आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा। अगर इस वीडियो को आप असेंबल करने के लिए देख रहे हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखें, नहीं तो आप इस पार्ट को स्किप करके आगे देख सकते हैं कि ये ज्वाइन होने के बाद कैसा दिखता है। लेकिन असेंबल करने के लिए वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन असेंबल कैसे करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं बॉटम का साइड पैनल ज्वाइन करने वाली हूँ। दोनों पैनल मैंने ज्वाइन कर दिए यहाँ पे। यह अभी बैक साइड का पार्ट है। अभी यहाँ पे मैंने बैक पैनल जो है लगा दिया है एक, और अभी यहाँ पे मैं दूसरा वाला पैनल लगाने वाली हूँ, तो वो कुछ इस तरह के दिखेगा। यहाँ पे जो आपको राउंड शेप में जो होल दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये फिक्स करना होगा, तभी ये परफेक्ट बैठेगा, नहीं तो आपको थोड़ी परेशानी होगी। तो इस तरह से ये लॉक हो गया है। तो अभी हमारा 80% जो है कबर्ड ज्वाइन करना हो गया है। अभी सिर्फ हमें इसे ऊपर का जो है ये ग्रे कलर में है, ये हमें लगाना है पैनल, अपर पैनल। ये तो इजीली हो जाता है। यहाँ पे मैं इसे फ़िक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं जा रहा।
लेकिन लेकिन उसे मैंने आखिर में फिक्स कर ही दिया। सच में गाइस, इसे मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत टाइम लगा था, पूरा 1 घंटा लगा था। आपको शायद इसे कम लग सकता है। तो ये कुछ इस तरह का सिंबल हुआ है और इस पे मैंने ऐसा सामान रखा हुआ है। आप इस पे ऐसा नहीं है कि ऐसे मतलब ये आप इसे किचन के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर क्लोथिंग आइटम रखने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बुक शेल्फ की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने मेरे जो मेकअप का सामान है उसके लिए मैंने इसे यूज़ किया है। टेलरिंग का मेकअप का जो सामान होता है उसके लिए मैंने यूज़ किया है। एंड बहुत ही अच्छा स्टोरेज है, यहाँ पे लॉक सिस्टम भी है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे जो है हैंडल है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे चाबी आएगी, लॉक आएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे 1 2 3 4 कंपार्टमेंट है, एंड लास्ट में, और यहाँ पे नीलकमल का आप लोगो देख सकते हो। लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो थैंक्स, कीप वॉचिंग, बाय बाय।